हाँ, इंटरफेरेंस ऑफ वेव ट्रांसमिटेड थ्रू द थिन फिल्म। तो अब मैं ट्रांसमिटेड वाली बात पे जा रहा हूँ। मैंने बोला था दो केस हैं थिन फिल्म के आपके कोर्स में, एक तो रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में देखो कैसे पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है। ये आपकी रे आई, अब इधर दोनों तरफ एयर मान ली, नहीं तो ये बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है ना। म्यू म्यू दिखते हैं आपको सारी जगह, तो आप थोड़ा समझ पाए चीजों को। तो मैंने अभी क्या मान लिया कि इधर भी एयर, इधर भी एयर, थिन फिल्म है, ठीक है। और इस तरह से रे आ रही है और इधर निकल जा रही है, एक तो ये रे हो गई, ठीक है। दूसरी रे कौन सी है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, पहले तो यहाँ तक तो आई दोनों, फिर एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर निकल रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दो, तो देखो इसके बाद पाथ लेंथ बिल्कुल सेम है। यहाँ तक दोनों सेम लेंथ ट्रेवल करके आई थी, दिक्कत सारी कहाँ पे हो गई, एक ने तो ये पाथ चूज किया, दूसरे ने ये पाथ चूज किया, तो इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी द पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि ये पूरा की पूरा म्यू मीडियम में है, तो इसको लिख दिया म्यू इंटू P1 P2 P3, और ये दूसरी का एक्स्ट्रा पाथ है तो ये -P1 P4। अब ये एयर में ही है तो कुछ जरूरत लगी नहीं है ऐसे। P1 P2 P3 को ट्वाइस ऑफ P1 P2 भी लिख सकते हो, फिर वही एंगल दे रखा है, नहीं दे रखा तो स्नेल्स लॉ से निकलेगा, ठीक है ना। आई दे रखा होगा फिर तो स्नेल्स लॉ से आर निकल के आएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली P1 P2 भी निकल आएगा, तो P1 P2 cos r इज इक्वल टू t, तो कितना पार्ट डिफरेंस, 2 म्यू टी cos r -P1 P4। P1 P4 के लिए फिर थोड़ी मेहनत है, ठीक है ना। P1 P3 निकालना पड़ेगा और फिर कर देना होगा P1 P3 cos pi by 2 minus है, तो P1 P3 होगा 2 P1 P2 sin r। P1 P2 की जगह फिर से वही t by cos r, तो दो तीन बार कर लेंगे तो फिर ऐसा तुरंत होगा बेटा ऐसे, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, P1 P4 की जगह उठा के रख दो, तो ये आ गया 2 म्यू टी कॉस आर। तो एक थिन फिल्म इस तरीके की है, टी थिकनेस की, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से जो इंटरफेरेंस होगा उसमें पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2 म्यू टी कॉस आर पार्ट डिफरेंस होगा, ठीक है ना। उसमें आपका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2 म्यू टी कॉस आर पार्ट डिफरेंस होगा। यहाँ तक डाउट है क्या किसी को, बताइए। बात क्लियर है बेटा एकदम? यस सर। चलिए, तो उसको प्लीज नोट डाउन कर देंगे, नहीं सारी